गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता कुमावनी। तो गाइस, सुबह के बजे हैं 7 और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा। अब तो मैंने ना आजकल बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बनाए और क्या कहते हैं, तो हमारी परिवार में बड़ी वाली दीदी स्पैरो रखी थी, तो मैंने बताया था आप लोगों को, तो मैंने इतने दिनों से बनाया ही नहीं। फिर आज अब मैं आज से बना रही हूँ। आज उनको 12 दिन हो गए हैं और हम नहा धो भी सकते हैं और खाना वाला भी ऐसे खा सकते हैं, मतलब मैं तले भुने वाले। तो मैं आज से शुरू कर रही हूँ ब्लॉग बनाने। तो मैंने चाय बना रखी है, अभी फिलहाल चाय पीती हूँ और बच्चे बैठ रखे हैं उधर और मैं ला रखी हूँ ये बंद चाय के साथ खाने के लिए। तो चाय बन गई है, बच्चे तो खाते नहीं है, बंद खाते हैं, मतलब मैं चाय नहीं पीते हैं, तो मैं चाय के साथ खाऊंगी। बन बोलते हैं, मतलब यहाँ पे बंद ही बोलते हैं, मैं बंद बोल रही हूँ इसलिए। तो उसके बाद बनाऊंगी नाश्ता। क्या है नाश्ता? फिर बच्चों की आज तक छुट्टियां हैं, कल संडे है, कल की भी छुट्टी है, परसों से स्कूल खुल जाएगा बच्चों का भी। और सगुन के पापा भी अभी गाँव से आए नहीं है, वो भी कल आ जाएंगे। तो चाय पी लेते हैं। तो आज नाश्ते में बना रखी है सगुन ने मैगी, ये बना रखी है नाश्ते में। तो है तो हम लोग खाएंगे मैगी। कटोरी लेके आई, तो मैं यहीं पे बैठी थी, अभी मैंने चाय पी, उसके बाद मैं चाय के साथ बन खाया, तो यहीं पे बैठे बैठे सगुन ले आई बना के मैगी। तो हम लोग अब मैगी खाएंगे। लेके तो आओ यार, कटोरी तो लेके आओ। तो गाइस, शाम के बज गए हैं 6, अंधेरा होने वाला है। मैंने ना आज इतने सारे सूरज धो रखे हैं, सारे यहाँ टका के रखे हैं मैंने, क्योंकि मशीन में मैंने निचोड़ दिया था इनको और छत पे सूखेंगे नहीं, मैंने इसलिए यहीं पे रख दिए हैं। और अंधेरा हो चुका है, यहाँ की लाइट ना देखना हमारी, ये वाला किसी ने इतनी जोर से बम फोड़ा गली में और इसका ऊपर का निकल गया है ये। अब मैं पहुँच नहीं पा रही इस पर, जब सगुन के पापा आएंगे ना वो लगाएंगे, ये निकल गया इसका बाहर का, तो इसको यहीं पे रखा है मैंने। ये कितनी बार गिर गया है ऐसे बम फोड़ने में, ये हर दिवाली पे गिर जाता है नीचे, हर दिवाली के बाद हम इसको लगाते हैं पर टूटता नहीं है ये। तो मैंने आज ना कपड़े भी धो रखे थे बहुत सारे छत पे ही है कपड़े, हमने ना इस बार लड़ियाँ भी नहीं लगाई, लोगों ने लड़ियाँ लगा रखी हैं, दिखाती हूँ। ये गुरपूरब तक रखेंगे, मतलब में ये दिख रहे हैं, अंधेरे में कुछ दिख भी रहा है, मैं दिखाती हूँ ढंग से। ये देखना, अभी जलाने रखे हैं लोगों ने, बहुत सारे लोग, हमने तो इस बार लड़ियाँ भी नहीं लगाई, तो करनी नहीं थी दिवाली तो मैंने कुछ। तो आज वीडियो में बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। तो मैंने छत में कपड़े सुखा रखे हैं, देख के आती हूँ, अंधेरा भी हो गया, हम अंदर बैठे थे टीवी भी देख रहे थे, तो तब से पता ही नहीं चला टाइम का मुझे, अंदर ही अंदर चल गई। और शाम के टाइम में थोड़ा थोड़ा ठंड भी लग रही है, मैंने स्वेटर डाल दी है। अब जा रही हूँ मैं छत पे कपड़े देखने, अंधेरा और खाऊंगा, छत पे भी अंधेरा हो गया। आज मैंने छत की भी सफाई कर रखी है ढंग से, देखना इतने सारे कपड़े धो रखे थे मैंने, सूखे तो होंगे नहीं, अभी बहुत सारे कपड़े हैं ये। अब मैं क्या करूं, इन कपड़ों को ले जाऊं या रहने दूं, देखती हूं। हल्के हल्के वैसे ओस से भी खराब हो गए, गीले हो गए होंगे, सूख तो गए हैं, वैसे उठा ही लेती हूं हल्के हल्के कपड़े। तो गाइस, रात के बज गए हैं 8:30 और मैंने खाना भी बना लिया है, आधा बन रखा है अभी, आधा नहीं बन रखा है। मैं बना रही हूँ गठेरी और मूली की सब्जी, ये बन चुकी है वैसे। इसमें आज मैंने ना दूसरी कढ़ाई में बना रखी है, छोटी छोटी कढ़ाई ला रखी है एक लोहे की, उसमें बना रखी है आज गठेरी की सब्जी।
मूली और गठेरी और आटा भी गूंथ लिया है मैंने। अभी बनाती हूँ रोटी, 9:15 हो चुके हैं। सोच रही हूँ थोड़ा देर में बनाएंगे, अभी भूख नहीं लगी है, बनाई देती हूँ। वैसे मेरे को ना ठंड लग रही है, आज मैंने बहुत कपड़े धोए थे दिन में, तो मुझे काफ़ी लेट हो गया था कपड़े धोते धोते, तो मैंने स्वेटर भी पहन ली है। फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक जगह बैठ जाओ ऐसा लग रहा है मुझे। वैसे इतनी ठंड नहीं है यहाँ पे, फिर भी तो खाना बना ही लेती हूँ। ये बैठी है शगुन, 1-2 घंटे सो के अब क्या कर रही है। इनको नहाने में ठंड लगती है और वैसे बैठने में ठंड लगती है, पर स्वेटर नहीं पहननी होती है, कंबल के अंदर घुसे रहते हैं। हो गया तो प्लीज बंद करो। नहीं हुआ तो गाइस रात के बज गए हैं 9:30 हुए हैं, तो मैंने खाना बना लिया है, खाना खा लेते हैं। और ये कपड़े ना मेरे आज का सूख भी नहीं रहे, आधे कपड़े ऊपर ही हैं, आधे मैंने तय कर लिए हैं, आधे जो हल्के हल्के हैं मैंने यहाँ पे सुखाने डाल दिए। अब सर्दियों में ना हमारे वहाँ पे धूप बहुत कम आती है, यही हाल रहता है, थोड़ा लेट कपड़े धोए थे। आज मुझे काफ़ी टाइम लग गया था कपड़े धोने धोने में, छत वगैरह साफ की थी मैंने आज, छत में पटाखे पटाखे फोड़ रखे थे और वो क्या कहते हैं बोतल में डाल के, वो किट बोतल में डाल के क्या होगा ना उसका, बोतल ही टूट के मतलब ऊपर कांच कांच फूट रहा था, वो भी मैंने ढंग से फिर साफ किया। मैंने कहा ऊपर कोई जाए ऊपर, मतलब यही जाता है रात ज़्यादा, तो मैंने कहा पैर वैर पर ना चुट जाए करके अच्छे ढंग से सफाई करती मैंने छत की। तो गाइस आज ना थकान सी हो रही है, मतलब नींद सी आ रही है, फटाफट खा लेते हैं खाना फिर उसके बाद सो जाते हैं। तो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब सोने की तैयारी हो रही है। ये रही शगुन, ये रात सो गया है यहाँ पे। तो गाइस अब मैं भी सो जाती हूँ। तो गाइज मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। तो मैंने आज थोड़ा बहुत ही शूट कर रखा है, कल से मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊँगी। आज मैंने बहुत कम बना रखा है, बहुत दिनों के बाद बना रखा है, तो कल से मैं कंटिन्यू बनाऊँगी। प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखो ज़रा और लाइक करो शेयर करो। तो गाइज मैं अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो कल फिर मिलूंगी आप लोगों को मैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।